हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, जिसके अंदर हमारी सारी फॉर्मेशन की रिएक्शंस हो चुकी है कि कैसे कैसे हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के भौतिक गुण। तो उसके अंदर केवल दो ही ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल बस ये है कि दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके काम आएंगी। एक तो है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड है सॉल्युबिलिटी, विलयता। बस इन दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है, विलयता। ओके, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का आप हमेशा एक पैटर्न हमेशा ध्यान रख सकते हैं। अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है? तो आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉन्डर वॉल फोर्सेस के, ठीक है? जो भी कोई वॉन्डरवॉल बल लगते हैं उनके सीधे समानुपाती होता है। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है? और पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे कम होता जाता है, ठीक है? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, ठीक है? आप इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो? शाखित अल्कोहल। आइए, आपकी मेरी बात समझ में कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्वथनांक, वो ब्रांचिंग होने पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि दोनों में इन्वर्सली रिलेशनशिप है, विरुद्ध क्रमानुपाती है। लेकिन इसको आप सीधे इससे कनेक्ट कैसे करोगे? आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रांचिंग होती है, अगर ब्रांचिंग होगी, एक तो आपके सामने ये सीधा सीधा अल्कोहल है CH3CH2CH2CH2OH, और एक आपके सामने इस तरीके से कोई अल्कोहल है CH3CH3OH, ठीक है? एक आपके सामने इस तरीके का अल्कोहल है। दोनों में देखिए कार्बन सेम है क्या? दोनों में चार चार कार्बन है, मतलब दोनों सेम है। अब हम इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें क्या होगा? वैन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जब आकर्षित होंगे तो ज्यादा क्षेत्रफल होगा दोनों के आकर्षण के लिए। तो इसी का एक और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो इसके साथ में जब इंट्रैक्शन में आएगा, आकर्षण में आएगा, तो सारे एटम्स उसके इतनी बड़ी सरफेस है उसके पास प्रोवाइड कि वो दोनों आकर्षित हो सके। लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है? सरफेस एरिया कम होने से क्या हो जाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि इंट्रैक्शन करने के लिए जो एटम्स हैं अब वो ज्यादा सरफेस नहीं है, कम है, तो इंट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस के, सरफेस एरिया के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, ठीक है? चलो, ये हो गया। अब सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर हम वाटर के अंदर बात कर रहे हैं, हम हमेशा सॉल्युबिलिटी से हमारा मतलब होता है कि वाटर के अंदर क्या होगा, जो भी उसका बिहेवियर, वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी है या नहीं है। तो अल्कोहल की हम बात करें तो अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लोअर अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, लोअर अल्कोहल, ठीक है? लोअर हिंदी में क्या कहेंगे? निम्नतर अल्कोहल, ठीक है? निम्नतर अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, विलय होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्या है? विलय है। क्यों है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप जानते हैं कि अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अगर हम सेम नंबर वाले कार्बन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि CH3CH2OH, और ईथर कौन सा है? CH3O CH3।
इन दोनों, ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अब इन दोनों की बात करते हैं सॉलिबिलिटी की, तो दोनों में से सॉलिबिलिटी जो है वो वाटर की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जबकि ईथर के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सॉलिबिलिटी की जब बात करते हैं तो एल्कोहल जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ईथर सॉल्युबल नहीं होते। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बात हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होगी अल्कोहल के अंदर, ये R O H आप जानते हैं कि किस तरीके से होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर ये हाइड्रोजन जो है इसके वाटर ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच में क्या हो जाता है, सैंडविच हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये एच ओ आर, ठीक है, इस तरीके से ये पूरी चेन बनती जाएगी। हाइड्रोजन इस तरीके से बीच में दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच में आते जाएंगे, तो ये हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, लोअर अल्कोहल की बात करी है मैंने, क्योंकि अगर हायर अल्कोहल की जब हम बात करेंगे, हायर अल्कोहल, उच्चतर अल्कोहल में क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, मतलब कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो जो उसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो बढ़ता जाएगा, और हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। मैं आपसे कह रही हूँ कि लोअर अल्कोहल जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन हायर अल्कोहल में क्या होता है, हायर अल्कोहल जो होते हैं, उच्चतर अल्कोहल, उच्चतर अल्कोहल, इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है, ये आर क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ये जो कार्बन है इसके अंदर CH2, ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब ये नंबर बढ़ता जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसका हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर ये पार्ट बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये वाटर को तो दूर करेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। दो तरीके से वर्ड आते हैं, हाइड्रोफिलिक आता है जो वाटर को चाहता है, और हाइड्रोफोबिक, फोबिया होता है ना, मतलब वाटर से डर, वो वाटर से दूर रहता है, तो हाइड्रोफोबिक अगर होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो वाटर के से दूर रहेगा। तो अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज हो रहा है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि उसकी सॉलिबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया, आपके दो फैक्टर थे इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी। ओके, थैंक यू।